रस्म वगैरह होने के बाद निहाल की माँ बीना को कहती है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है, ये सिर्फ मेरे बेटे की खुशी और सबसे ज्यादा उसकी जिद थी जिसकी वजह से तुम हमारे घर में इंटर हो रही हो, वरना कहाँ तुम्हारा स्टेटस और कहाँ हमारा। दोस्तों बीना स्टेटस का ताना सुनकर चुप हो जाती है कि चची जान की बातें कम थी जो अब निहाल की माँ भी उसे बेइज्जत कर रही है। खैर बीना उनकी रिस्पेक्ट करते हुए कहती है कि मैं आप लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस आप मुझसे खफा ना हुआ करें, आप माँ की तरह है मेरी। दोस्तों निहाल बीना को अपनी मोम से इस तरह से बात करने पर समझ तो जाता है कि जरूर मोम ने बीना को कुछ कहा है। वो मोम के जाने के बाद बीना से पूछता है कि मोम क्या कह रही थी, तो बीना उसे हकीकत छुपाते हुए कहती है कि कुछ नहीं, बस घर के कुछ तौर तरीके समझा रही थी और कुछ नहीं। पर दोस्तों निहाल को शक होता है कि बीना उसे कुछ छुपा रही है। वो अगले सीन में अपनी मॉम से पूछता है और उसे वॉर्न भी करता है कि अगर बीना को कुछ भी कहा तो इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा, कुछ ही दिनों में बीना मेरी इज्जत बनने वाली है और अगर आपने और रमशा ने उसके बारे में कुछ भी कहा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों निहाल बीना को कॉल करता है और बीना को कहता है कि अगर मॉम ने तुम्हें कुछ कहा है तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, जिस पर बीना कहती है कि नहीं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बस आप मेरे लिए आंटी से ना लड़ा करें।